हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल शोम्स डेलिकेसी। भाई आज हम एक बिल्कुल बढ़िया सा रशियन डिश बना लेंगे, यानी कि चिकन स्ट्रोगनॉफ। रेसिपी काफ़ी ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस बनता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने इस रेसिपी को बनाया बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको रेसिपी अपडेट्स मिलता रहे। चलिए हम देखते हैं इस बढ़िया सा चिकन डिश की रेसिपी। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने एक चम्मच सफ़ेद वाला सरसों और एक चम्मच काले वाले सरसों को बिल्कुल सोक करने रख दिया है पानी में करीब 3 घंटे तक। इसे हम बिल्कुल 3 घंटे तक पहले से ही सोक करने रख देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है बिल्कुल 250 ग्राम बोनलेस चिकन। आप चाहे तो बिल्कुल बोन वाला चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बोनलेस चिकन ये रेसिपी के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल और बढ़िया होता है। इस चिकन को हमें करना है बॉयल। चिकन को मैं यहाँ पे बॉयल कर रहा हूँ। रेसिपी जो ओरिजिनल रेसिपी होता है उसमें चिकन बॉयल नहीं किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे बॉयल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है चिकन स्टॉक का। जी हाँ, बिल्कुल 5 मिनट तक इसे बॉयल कर लेंगे। चिकन को पूरी तरह से कुक नहीं करना है क्योंकि इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। सिर्फ हल्का से इसे बॉयल करना है, यानी कि एक बढ़िया सा उबाल लाना है, क्योंकि हमें ये जो चिकन स्टॉक का पानी है वो बिल्कुल बढ़िया सा चाहिए। गाइज, यहाँ पे मैंने करीब 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया था। चिकन हमारा बिल्कुल बॉयल होकर तैयार हो चुका है, 5 मिनट भी हो चुका है। ये चिकन का पानी हम बिल्कुल अलग कर लेंगे और चिकन को हम बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे। चिकन स्टॉक हम बिल्कुल बचा के रखेंगे। चिकन हमारा तैयार है। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद एक बार 1 चम्मच की मदद से चिकन को बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं हमारा जो चिकन है वो मिक्स होके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे सिंपली पैन फ्राई कर लेंगे। इसे मैरिनेट करके रखने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए फटाफट से पैन फ्राई करते हैं। पैन पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, करीब 2 चम्मच सिंपल रिफाइंड ऑयल का मैंने इस्तेमाल किया है। अब एक एक करके मैं इसमें ऐड करूँगा हमारा चिकन पीसेस, और इसे हमें फ्राई करना है टोटल 5 से 7 मिनट तक। बिल्कुल दोनों साइड पलट के फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, तब तक हमारा चिकन का जो कलर है वो बिल्कुल बदल के बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। एक एक करके हम चिकन पीसेस को पलटेंगे। आप देख सकते हैं गाइस, कलर बिल्कुल बढ़िया सा बदल चुका है, काफ़ी बढ़िया से कलर आ चुका है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। बढ़िया से फटाफट हम अपने सारे चिकन पीसेस को बिल्कुल फ्राई कर लेंगे। एक बार चिकन पीसेस फ्राई हो जाने के बाद हम चल जाएंगे हमारे ग्रेवी की ओर। आप देख सकते हैं चिकन में एक बढ़िया सा कलर बिल्कुल आ चुका है, यानी कि हमारा चिकन पीसेस दोनों तरफ से बिल्कुल फ्राई और कुक हो चुका है। अब फटाफट से हम बना लेंगे एक बढ़िया सा ग्रेवी। इन चिकन पीसेस को हम बिल्कुल साइड कर लेंगे और इसी पैन पे हम बनाएंगे हमारा ग्रेवी। पैन पे मैंने बटर ऐड कर दिया है 1 बड़ा चम्मच। बटर ऐड करने के बाद इसी बटर पे हम ऐड करेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज, करीब 2 मीडियम। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है और इसमें ऐड करेंगे स्लाइस्ड किया हुआ कैप्सिकम 3 से 4 चम्मच। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो उससे कम या ज़्यादा का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज और कैप्सिकम को बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है 3 से 4 मिनट तक। एक बार प्याज का कलर जब हल्का सा बदल जाएगा, आप देख सकते हैं जो बदल भी चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। जी हाँ, इसमें मैं इस्तेमाल करूँगा ऑल पर्पज़ फ्लोर, यानी कि मैदे का। मैदे का मैंने इस्तेमाल किया है करीब 1.5 चम्मच, यानी कि 1.5 टेबल स्पून का मैंने मैदा इस्तेमाल किया है। मैदा ऐड करने के बाद बिल्कुल अच्छे से इसे एक बार चला लेंगे। मैदे को हमें बिल्कुल अच्छे से कुक करना है, यानी कि मैदे को भी बटर के साथ बढ़िया सा फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट मैदे को फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम चिकन स्टॉक, जो मैंने पहले से ही बचा के रखा है, यानी कि जिस पानी में मैंने चिकन को उबाला था। ये इस रेसिपी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेगा। अब देख सकते हैं हमारा ग्रेवी बिल्कुल थिक हो रहा है। इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा चिकन स्टॉक। ग्रेवी आपको जितना चाहिए आप उतना चिकन स्टॉक बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रेवी थोड़ा सा मीडियम रखा है। इसमें मैं ऐड करूंगा 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद इसे बिल्कुल बढ़िया से एक बार मिक्स करेंगे। इसे हम लो फ्लेम पे कुक करते रहेंगे करीब 5 से 7 मिनट तक। उसी बीच बीच में हम एक एक करके इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे इसमें। गाइज, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है बिल्कुल विस्क किया हुआ दही, करीब 2 चम्मच। दही को मैंने बिल्कुल बढ़िया सा पहले से ही विस्क कर लिया था। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा 1 चम्मच हमारा मस्टर्ड सीड का पेस्ट, जिसे मैंने पहले से ही भिगो के रखा हुआ था। इन दोनों इंग्रेडिएंट को ऐड करने के बाद बिल्कुल अच्छे से एक बार इसे हम चला लेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि हमारा दही और हमारा जो मस्टर्ड है वो बिल्कुल ग्रेवी के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए। ऐड करेंगे नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। भाई, नमक मैंने पहले ही चिकन को फ्राई करते टाइम भी ऐड किया था, इसलिए नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा कम ही करूँगा। आप
नमक ऐड करने के बाद फाइनली इसमें ऐड करेंगे हमारा चिकन पीसेस, जिसे मैंने बिल्कुल पहले से फ्राई होकर रखा हुआ था। चिकन पीसेस का कलर आप बिल्कुल देख सकते हैं, बढ़िया सा हो चुका है। चिकन पीसेस ऐड करने के बाद एक बार बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम हमारा बिल्कुल अभी लो पे है गाइस। अब मैंने इसमें ऐड किया है एक चम्मच बिल्कुल बढ़िया सा चिली फ्लेक्स तीखापन के लिए। अगर आपको तीखा पसंद नहीं तो आप चिली फ्लेक्स बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, बिल्कुल बढ़िया सा मिक्स करेंगे और फाइनली इसे हम गार्निश करेंगे धनिया के पत्ते के साथ। सो गाइस, ये रेसिपी हमारा सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। रेसिपी को मैंने सर्व किया सिंपल सा हर्ब राइस और कुछ फ्राइड किया हुआ वेजीज के साथ। अगर आपको हर्ब राइस का रेसिपी जानना है तो आप मुझे बिल्कुल सिंपल सा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं, मैं आपको हर्ब राइस का रेसिपी पूरा बता दूंगा। और गाइज, अगर आपको रेसिपी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। रेसिपी से रिलेटेड आपको कोई से भी सवाल है मुझे बिल्कुल सिंपल सा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप फेसबुक और इंस्टा हैंडल भी चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। मैं मिलता हूं आपके साथ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन आई एम योर होस्ट एंड कुक एंड द शो, गुड बाय फूडीज़।